This lecture we will discuss accounting for joint venture. Joint venture का accounting आप कैसे करेंगे इसको discuss करते हैं. तो कुछ terms हैं हमारे पास, पहले उन terms को देखते हैं. Joint venture is a temporary partnership between two or more persons for limited purpose and has a definite life. Joint venture normally किसी event, किसी particular काम को करने के लिए किया जाता है. जैसे काम finish होगा आपका joint venture खत्म हो जाएगा. तो this is a temporarily agreement between two or more persons. किसी particular event purpose के लिए हम joint venture करते हैं. और जो joint venture is not an ongoing concern, इसकी जो life है वो limited है. उस event के पूरे करने तक आप उस काम को करते हैं. जैसे हमें कोई road बनाना है, कोई building बनाना है, तो कुछ लोगों ने मिलकर काम शुरू किया, काम पूरा हुआ और सभी लोगों ने अपना अपना shares आपस में distribute कर लिया. तो किसी इवेंट के लिए किया, ये लॉन्ग कंसर्न नहीं है, गोइंग कंसर्न नहीं है. इसकी जो लाइफ है इज डेफिनेट लाइफ और लिमिटेड पर्पस के लिए ही हम इसको, लिमिटेड लाइफ के लिए ही हम इसको मेंटेन करते हैं. तो सो इट इज नॉट अ पार्टनरशिप अंडर पार्टनरशिप एक्ट, नॉट फॉलो गोइंग कंसर्न एजम्पशन. तो कोई ऐसी फिक्स एसेट्स नहीं होती. सारी एसेट्स हमें इमीडिएट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा. रिलेशनशिप बिटवीन को वेंचर इज दैट ऑफ को ओनर्स. जो को वेंचर्स है वो सभी उसके को ओनर्स माने सभी उसके मालिक माने जाते हैं. और जनरली जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वही इसका सब्जेक्ट मैटर होता है. इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क को हम इस कॉन्सेप्ट में कंसिडर नहीं करते. जो मूवेबल है वही इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म असेट्स नहीं होती इसके अंदर. हमने प्रॉपर्टी खरीदा भी होगा तो हम उसको इमीडिएट फिर आफ्टर सम टाइम डिस्पोज ऑफ कर देंगे. फोर मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ज्वाइंट वेंचर. ज्वाइंट वेंचर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमारे पास फोर मेथड है. फर्स्ट मेथड में वी आर प्रिपेयरिंग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेथड. अलग से सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाया जाता है. तो मेनली इसमें बनेगा आपके पास ज्वाइंट बैंक अकाउंट टू रिकॉर्ड रिसीव्ड एंड पेमेंट रिलेटिंग टू ज्वाइंट वेंचर ट्रांजेक्शन. जितनी भी आपकी ज्वाइंट वेंचर ट्रांजेक्शन है उसको इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा. जो भी पार्टनर्स या को वेंचर्स पैसा लेकर आएंगे, जो भी खर्चे होंगे, वो सभी अगर ज्वाइंट बैंक के थ्रू होता है तो वो ज्वाइंट बैंक अकाउंट में शो होगा. दिस इज सिंपल लाइक अ बैंक अकाउंट जिसके अंदर ज्वाइंट वेंचर की ट्रीटमेंट्स, ज्वाइंट वेंचर का पैसे का आना और जाना रिकॉर्ड किया जाएगा. को वेंचर्स के अकाउंट बनेंगे इंडिविजुअली. जैसे हम पार्टनरशिप में पार्टनर्स के अकाउंट बनाते थे, यहां पर हम अकाउंट ओपन करेंगे को वेंचर्स के. ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इज ओपन टू रिकॉर्ड एक्सपेंस एंड रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ ज्वाइंट वेंचर. जितने भी आपके एक्सपेंस हैं, जो भी आपके एक्सपेंस हैं, इनकम्स हैं, वो सभी हम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इज ओपन टू रिकॉर्ड एक्सपेंस एंड रेवेन्यू. और तो ये हमारे पास कुछ मेथड है. तो मेनली इसमें तीन अकाउंट हम बनाएंगे, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, को वेंचर अकाउंट एंड ज्वाइंट वेंचर अकाउंट. दिस इज अकाउंट ऑफ नॉमिनल नेचर जिसके अंदर हर टाइप की ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा. को वेंचर्स चाहें तो अपनी इंडिविजुअल बुक्स में जो भी उन्होंने ज्वाइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट किया उसके लिए वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं. लेकिन प्रैक्टिकली जब हम ज्वाइंट वेंचर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ये तीन ही अकाउंट हम इसमें मेंटेन करते हैं इन केस ऑफ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेथड में. अब पहले फर्स्ट केस को समझने के लिए एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, देन फिर इसको आगे कॉन्टिन्यू करते हैं. So, let us see an example. X and Y jointly undertook to construct the building for Hot and Cold Limited. एक बिल्डिंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था इसका 50 लाख रुपए का, जो हमें 80% कैश में मिलेगा इन फोर इंस्टॉलमेंट एंड द बैलेंस बाइंग फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 100%. माने जो 50 लाख का पेमेंट है उसमें 80%, 40 लाख तो आपको इंस्टॉलमेंट में मिल गया कैश में, और जो बाकी 10 लाख का बचा उसके बदले में वो आपको शेयर देता है. ₹10 का शेयर है जो कि 100% प्रीमियम पर है. तो एक शेयर कितने का हो गया आपका, ₹20 का. दे ओपन अ बैंक अकाउंट इन देयर ज्वाइंट नेम. दोनों ने अपना ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन किया और दोनों ने उसमें 21 लाख रुपये का कॉन्ट्रीब्यूट किया इन द रेशियो ऑफ 2:1. माने ओवरऑल 21 लाख रुपये ज्वाइंट बैंक अकाउंट में इंट्रोड्यूस किए. इसका 2/3 पार्ट एक्स ने और 1/3 पार्ट वाई ने कॉन्ट्रीब्यूट किया. एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट फर्स्ट 5 लाख ऑफ प्रॉफिट इक्वली. जो प्रॉफिट कमाएंगे उसने पहले 5 लाख को इक्वली बांटेंगे और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा
उसको ये आपस में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ट्रांजेक्शन्स हैं कुछ हमारे पास, मेटेरियल सप्लाइड किया एक्स ने अपने पास से, वेजेस पेड, मेटेरियल बॉट, मिक्सचर, प्लांट। जब नेम मेंशन नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं ये सारे खर्चे जॉइंट बैंक अकाउंट के थ्रू किए गए हैं, और जहां पर आपने एक्स का नेम मेंशन कर दिया तो ये खर्चा एक्स ने इंडिविजुअली किया है, नॉट फ्रॉम एन जॉइंट बैंक अकाउंट। एक्सपेंस में आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया है पेड बाय वाई ₹40,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, एक्स ने अनयूज्ड मटेरियल टेक ओवर कर लिया, वाई ने मिक्सचर टेक ओवर कर लिया, प्लांट सोल्ड हो गया, मटेरियल 20,000 का था जो चोरी हो गया, और उसके बदले में हमें इंश्योरेंस कंपनी से ₹15,000 रिसीव्ड हुए। एक्स ने 60% शेयर्स को टेक ओवर कर लिया एंड वाई ने बैलेंस शेयर्स को टेक ओवर किया एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 15 पर शेयर। तो 60% शेयर्स का मतलब ये हो गया कि जो आपको 10 लाख का पेमेंट मिला था इन टर्म्स ऑफ शेयर, तो अगर मैं 10 लाख को 20 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 50,000 शेयर आते हैं। 50,000 का 60% माने 30,000 शेयर तो एक्स ने टेक ओवर किया ₹15 के रेट से, एंड बैलेंस शेयर वाई ने टेक ओवर किया, और दोनों का जो एग्रीड वैल्यूएशन है वो ₹15 का है। अकाउंट्स वर सेटल्ड, अकाउंट हमें क्लोज करना है, तो हाउ विल वी प्रिपेयर, इस क्वेश्चन से आपको पूरा फॉर्मेट इसका समझ में आ जाएगा, तो हम इसको डिस्कस करते हैं फॉर्मेट वाइज। अब अगर मैं इस जॉइंट वेंचर अकाउंट को देखता हूं तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड में जितने भी आपके एक्सपेंस हैं वो सब शो किए जाते हैं, और क्रेडिट साइड में जो भी कलेक्शन है, सेल है, किसी भी सेंस में वो सब आता है। तो ये वेजेस, मटेरियल, मिक्सचर, प्लांट, ये सारे खर्चे आपने जॉइंट बैंक से किए थे, तो सारे टू जॉइंट बैंक के नाम से आ गए। दिस इज द, इसका जो नेचर है वो क्या है, हमारा नॉमिनल नेचर। एक्स ने अपने पास से मटेरियल सप्लाई किया तो वी विल राइट डाउन 2x, वाई ने एक्सपेंस किए 2y। इक्विटी शेयर हमें जो पेमेंट मिला था तो जॉइंट बैंक जो 4 इंस्टॉलमेंट में मिला, तो उसको आप इंडिविजुअली भी शो कर सकते हैं, जॉइंट बैंक 4 बार लिखकर 10 लाख रुपए से, या फिर 40 लाख का आप सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं। तो यहाँ सिंगल दिखा दिया, अल्टीमेट अमाउंट आया है 10 लाख के शेयर्स मिले, एक्स ने मटेरियल टेक ओवर किया, वाई ने मिक्सचर टेक ओवर किया, प्लांट को हमने सेल किया है, इंश्योरेंस क्लेम के हमें पैसे मिल गए। यहाँ पर जो लॉस हुआ है उसको हमें कहीं शो नहीं करना है, जो अल्टीमेट इंश्योरेंस कंपनी का पैसा मिला है वही हम शो करेंगे। थोड़ा सा शेयर्स को हम देख लेते हैं एक बार। एक्चुअली एक्स और वाई ने ये 50,000 शेयर्स को टेक ओवर किया था ₹20 के रेट्स, ये शेयर्स हमें मिले थे ₹20 के रेट से, लेकिन टेक ओवर किया इन्होंने इसको ₹15 के रेट से, तो ओवरऑल ₹5 का नुकसान हो गया। तो वो जो लॉस है इक्विटी शेयर्स का, वो भी हम जॉइंट बैंक अकाउंट के रिवर्स में ट्रांसफर करेंगे। फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो ये था कि पहले 5 लाख तो इनको इक्वली बांटने थे, और जो बाकी पैसे बचते वो इनको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने थे। प्रॉफिट कमाया आपने 30,50,000, तो 30,50,000 में जो पहले 5 लाख है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, और बाकी जो 25,50,000 है वो इन दोनों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो 1950 का अमाउंट एक्स को मिला और 11 लाख का अमाउंट वाई को मिला। अब हम इसके मेन अकाउंट पर आते हैं। तो जैसे आपने इसको ओपन किया तो ये आपका बना यहाँ पर जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट के बाद जो नेक्स्ट अकाउंट है आपका, दिस इज योर जॉइंट बैंक अकाउंट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि को वेंचर जो भी पैसा लेकर आए हैं वो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जॉइंट बैंक में। शुरू में ये लोग 21 लाख रुपए लाए थे इन द रेशियो ऑफ 2:1। जो आपकी जॉइंट बैंक के नाम से एंट्री है जॉइंट वेंचर अकाउंट में, उन सभी एंट्रीज की इसके अंदर हम रिवर्स पोस्टिंग करेंगे, और रिवर्स पोस्टिंग करने के बाद, वैसे ये अकाउंट हमें लास्ट में प्रिपेयर करना चाहिए, तो पहले आपको को वेंचर अकाउंट देख लेना चाहिए इसका। को वेंचर अकाउंट में बेसिकली जैसे आप पार्टनरशिप रिजोल्यूशन में करते थे वही पैटर्न चलेगा। जॉइंट वेंचर के बैलेंस, इक्विटी शेयर्स टेक ओवर किया पार्टनर्स ने, और इसके अलावा सो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो ये हमने इसका फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था। अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं
कि सेकंड मेथड के थ्रू आप जॉइंट वेंचर अकाउंट कैसे बनाएंगे. सो इन सेकंड मेथड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शन ओनली बाय वन कोवेंचर मेथड, और नंबर थ्री मेथड भी आपका आता है ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ऑल कोवेंचर्स. बेसिकली इस मेथड के अंदर जैसे सपोज वी हैव टू कोवेंचर्स ए एंड बी, सो ए एंड बी बोथ प्रिपेयर देयर अकाउंट्स इंडिविजुअली. ए अपनी बुक में ओपन करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट ऑफ अदर कोवेंचर, मींस ए अपनी बुक में प्रिपेयर करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड बीज अकाउंट, एंड बी अपनी बुक में प्रिपेयर करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड एस कोवेंचर अकाउंट. तो ए की बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड बीज अकाउंट, और बी की बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड एस अकाउंट. तो बेसिकली ये जो आपका सेकंड और थर्ड है ये ऑलमोस्ट सेम ही है. तो इसमें बस ये है कि भाई आपने एक ही कोवेंचर ने प्रिपेयर किया अकाउंट, और इस वाले मेथड में बोथ कोवेंचर्स आर प्रिपेयर्ड अकाउंट. तो अब देखते हैं कैसे हम इन अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे. सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है, ए एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर विद बी एंड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टू प्लेस गुड्स सेंड बाय बी. बी ने अपने पास से गुड्स सेंड किया, कैश रिसीव्ड बाय ए, गुड्स परचेज बाय ए बाय बी, गुड्स ब्रॉट इन ओन स्टॉक, अपने स्टॉक से माल ट्रांसफर किया जॉइंट वेंचर में ए ने, इतना बी ने. एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ए ने एक्सपेंस किया, बी ने एक्सपेंस किया, गुड्स सोल्ड बाय, गुड्स अनसोल्ड टेकन अवे, जो गुड्स हैं वो अनसोल्ड हैं जो टेकन अवे किए हैं ए और बी ने. तो हमें इसमें एंट्री पास करना है एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए एज्यूमिंग द फाइनल सेटलमेंट ऑफ ए एंड बी मेड बाय चेक. तो एंट्री इज क्वाइट ईजी. तो पहले हम इसके अकाउंट देखते हैं कि हाउ विल वी प्रिपेयर एन अकाउंट. तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ए की बुक में हम बनाएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट एज वेल एज बीज अकाउंट. अब इस जॉइंट वेंचर अकाउंट में बेसिकली क्या होगा, जो ए ने परचेज किया उसके लिए वो टू बैंक वर्ड यूज करेगा, या अगर उसने अपने पास से लिया माल तो गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर. मार्केट से माल खरीदा है तो टू बैंक, अपने पास से गुड्स सप्लाई किया है तो टू गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर. बट अगर बी ने खर्चा किया है तो बी का नाम आएगा, जैसे बी ने परचेस किया था, बी ने अपने पास से सप्लाई किया, बी ने एक्सपेंस किया, ए अपने एक्सपेंस के लिए टू बैंक, अपने परचेस के लिए जो उसने पेमेंट करके किया टू बैंक, और अपने पास से अगर स्टॉक सप्लाई किया है सो वी विल राइट डाउन टू बी, सॉरी टू गुड सेंट ऑन जॉइंट वेंचर. इन सेम वे ए ने अपना माल इन्हें जॉइंट वेंचर के बिहाफ पर गुड सोल्ड किया बाय बैंक, बी ने सेल किया तो बी का नाम आएगा, गुड सेंट ऑन जॉइंट वेंचर. जो उसने माल, जैसे उसने जब ए ने अपने पास से माल सप्लाई किया था तो गुड सेंट ऑन जॉइंट वेंचर लिखा था, दिस इज गुड्स टेकन अवे, तो बाय गुड सेंट ऑन जॉइंट वेंचर, और बाय बी व्हेन गुड्स टेकन अवे बाय बी. और यहां से हम इसका प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर लेंगे, और जो भी प्रॉफिट लॉस है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनके रेशियो में. ए अपने प्रॉफिट के लिए राइट डाउन द वर्ड पी एंड एल अकाउंट, और बी के प्रॉफिट के लिए राइट डाउन द वर्ड बी. और अगर रेशियो नहीं पता होता तो बाय डिफॉल्ट हम इक्वल शेयर लेंगे. अब हम देखते हैं कि हमने इसका बी का अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया. तो बी का अकाउंट काफी इजी है, बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जो कैश बी ने ए को सेंड किया था तो उसके लिए हम एंट्री बनाएगा ए कैश अकाउंट डेबिट टू बी, और जितनी भी यहां पर बी के नाम से एंट्री हैं उन सभी की हम इस अकाउंट में रिवर्स पोस्टिंग कर देंगे, और ये 16125 इज ऑफ योर बैलेंसिंग फिगर जो हम बैंक अकाउंट के थ्रू क्लोज करेंगे. तो ये बहुत इजी पैटर्न है, बस खाली इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा आता है कि कैश सेंड बाय ए टू बी या बी टू ए, या बिल इशूड बाय ए टू बी या बी टू ए, तो उसका एंट्री जॉइंट वेंचर में नहीं आएगा. अदरवाइज जितनी बी के नाम से एंट्री है जॉइंट वेंचर में उन सभी की रिवर्स पोस्टिंग एंड बैलेंस ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट. अल्टीमेटली जो भी बैंक अकाउंट का बैलेंस, जो भी आपका बैलेंस बचेगा उसको हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. अगर मैं इसी क्वेश्चन को
बोथ द पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो हमारा थर्ड मेथड है, ए ऑफ आगरा एंड बी ऑफ बॉम्बे एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर टू कंसाइन 200 बेल्स ऑफ क्लॉथ ऑफ डी ऑफ दिल्ली, मैंने ए और बी ने जॉइंट वेंचर किया कि हम डी जो दिल्ली में रहता है उसको कुछ गुड्स देंगे बेचने के लिए, और उनका आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग प्रपोर्शन है दिस इज 3:7। ए सेंड्स 150 बेल्स, ए ने इतना बेल सेंड किया पेइंग फ्रेट, बी सेंड 50 बेल्स पेइंग एक्सपेंस, ऑल द बेल्स डी ने सोल्ड कर दिया 14 लाख का जो, और डी ने उसमें से अपने 6,000 का एक्सपेंस काटा, कमीशन काटा, और साथ में सॉरी एक्सपेंस से काटे और 10% वो चार्ज कर रहा है कमीशन ऑन सेल। डी ने फिर 3 लाख रुपया ए को डेबिट कर दिया एंड बैलेंस अमाउंट टू बी थ्रू बैंक ड्राफ्ट। अब यहां पर जब हम इसका जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो यहां पर हम सेल के लिए बाई डी वर्ड लिखेंगे, बाई डी गुड्स सोल्ड बाई डी, तो वी विल राइट डाउन द वर्ड बाई डी। तो डी ने 14 लाख रुपए का माल बेचा, 14 लाख कैसे आया देख लेते हैं एक बार। डी ने 14 लाख का माल बेचा था और उसने जो एक्सपेंस किए थे उसके लिए 2D कमीशन के लिए 14 लाख का 10% कमीशन हम उसको दे रहे हैं, 14 लाख का 10% आपका कमीशन हो गया 2D कमीशन, और फिर आपने जो प्रॉफिट था वो उसी पैटर्न में ट्रांसफर करना है। यहां पर जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए आता है कि हमें इसमें एक बी का अकाउंट बनेगा और लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बी सेम पैटर्न, और यहां पर ये तो आप बना ही लेंगे, तो डी इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट आया आपके पास। एक ही बुक में जो हमने अकाउंट ओपन किए वो कौन कौन से ओपन किए, लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए, जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड वेल एज बीज अकाउंट। डी जो हमारा आउटसाइडर था उसके साथ जो हमने डील किया उसके लिए हमने इस अकाउंट को इस सेंस में प्रिपेयर किया। जो जो डी से हमने पैसा लेना है वो यहां पर आया, और डी को जो हमने कमीशन दिया या एक्सपेंस दिया वो हमने इसका क्रेडिट साइड में शो किया। तो ये इसका पैटर्न है। तो ये इसका एक पैटर्न है जिसके थ्रू हमने इसके अकाउंट ओपन किए। सो दिस इज योर जॉइंट वेंचर अकाउंट। आप चाहें तो इसमें डी का अकाउंट ओपन कर सकते थे और जो भी डी के नाम से एंट्री है उसकी रिवर्स पोस्टिंग करके यहां पर बस ए को और बी को जो भी डी ने पैसा दिया वो 2D के नाम से आएगा। माने डी ने 3 लाख रुपया तो ए को दिया है, और आई थिंक इस क्वेश्चन में था आपके पास कि डी हाउ मच अमाउंट पेड बाय डी, एक बार देखते हैं इसको दोबारा से। तो डी ने 14 लाख का माल बेचा था, 6,000 का अपना कमीशन एक्सपेंस माइनस किया, 1,40,000 रुपए का उसका एक्सपेंस था, उनको माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचा उसमें 3 लाख तो उसने ए को पेमेंट किया है एंड द बाकी बैलेंस पेड टू बी। तो इसमें जब आप लेजर अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ ए तो 2D एक 14 लाख में 1,40 और 6,000 माइनस किया, 3 लाख तो उसने बी को पेमेंट किया था, तो ए 9,54,000 की एंट्री पास करेगा जो बैलेंस अमाउंट है, और बी जो पास करेगा दिस इज 3 लाख रुपी रिसीट फ्रॉम डी। तो ये इसका पैटर्न है जिसके थ्रू हमने सेकंड मेथड और थर्ड मेथड को कवर किया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसको डिस्कस करने के लिए, डेविड ऑफ बॉम्बे एंड खालसा ऑफ दिल्ली एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग सेकेंड हैंड मोटर कार। जो डेविड ऑफ बॉम्बे एंड खालसा ऑफ दिल्ली ने जॉइंट वेंचर में एंटर किया कि भाई हम सेकेंड हैंड कार को खरीदेंगे और बेचेंगे। डेविड टू मेक परचेज एंड खोसला टू इफेक्ट सेल, खोसला डेबिटेड अ सम ऑफ रुपीज 1,50,000 टू डेविड टुवर्ड्स द वेंचर। डेविड को वो 1,50,000 रुपए सेंड कर रहे हैं। डेविड ने 5 कार परचेज किया 1,60,000 का, 60,000 रुपीज खर्चा किया, सेंड देम टू दिल्ली, खोसला को सेंड किया। ही आल्सो इनकर कुछ खर्चा भी किया, उसने 5,000 रुपए ट्रांसपोर्टिंग द कार, खोसला ने 4 कार सोल्ड कर लिया 2,40,000 और 5वीं कार अपने पास रख लिया 50,000 रुपए का मानकर। उसका एक्सपेंस हुआ इंश्योरेंस का, गैरेज रेंट का, ब्रोकरेज का एंड सैलरी एक्सपेंस। ईच पार्टीज लेटर कंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ हिज ओन ट्रांजेक्शन ऑन जॉइंट बैंक, ठीक बात है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द रिजल्ट ऑफ वेंचर
and a joint venture and a joint venture account will debit in the books of Khosla as it will finally appear. तो ये जो हमारे पास पैटर्न है ये हमारे पास थर्ड पैटर्न है बेसिकली. इस पैटर्न में क्या होता है कि हर पार्टी इसकी पहचान यही है पैटर्न की कि ईच पार्टी लेजर कंटेन आ रिकॉर्ड ऑफ इट्स ओन ट्रांजेक्शन, माने हर पार्टी अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगी और इस केस में हम एक कॉमन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उसका नाम देंगे हम ज्वाइंट मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट. एक बार देख लेते हैं इस मेथड का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि भाई मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एक्स रिकॉर्ड इज ओन ज्वाइंट वेंचर ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ इन हिज बुक्स एंड वाई रिकॉर्ड इज ओन, माने दोनों अपने अपने ट्रांजेक्शन को अपनी अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे. ईच को वेंचर रिकॉर्ड ओनली दोस ज्वाइंट वेंचर ट्रांजेक्शन विच आर अफेक्टेड बाई हिम, जैसे एक्स ने जो ट्रांजेक्शन की वो रिकॉर्ड करेगा वाई अपनी रिकॉर्ड करेगा और एक कॉमन मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाता है. दिस इज नॉट अ ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, दिस इज मेमोरेंडम. मेमोरेंडम का मतलब कि अकाउंट नहीं है, इट इज जस्ट एन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो बहुत कॉमनली यूज मेथड है ये. तो अब हम इसको देखते हैं कि हमने इसको कैसे किया था क्वेश्चन को. एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है. तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था कि डेविड ऑफ बॉम्बे एंड खोसला ऑफ दिल्ली एंटर हुए थे, कुछ कार्स वगैरह उन्होंने आपस में परचेज सेल किया, तो हमने कॉमन अकाउंट बनाया. दिस इज कॉल्ड, आप पहले मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर को देखिए, दिस इज कॉमन अकाउंट. सबसे इजी फॉर्मेट यही होता है अकाउंट का कि जिसने जो खर्चा किया उसके नाम में आप डालते जाइए. डेविड ने खर्चा किया, डेविड ने रिकंडीशनिंग एक्सपेंस किए, डेविड ने ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेमेंट किए, खोसला ने एक्सपेंस किया, खोसला ने सेल किया, खोसला ने, जिसके नाम से जो एंट्री है उसके नाम में एंट्री आती जाएगी. अकाउंट का नेचर वही है, जितने भी खर्चे हैं वो सब डेबिट साइड में आएंगे और जो जो कलेक्शन आया है वो सब क्रेडिट साइड में आएगा. दोनों का इंडिविजुअली प्रॉफिट हम इस अकाउंट में शो करेंगे. यहां पर अब ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि हम जो अकाउंट ओपन करेंगे वो कौन कौन से किस किस बुक में करेंगे. तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट विद डेविड इन द बुक्स ऑफ खोसला, खोसला की बुक में हम बनाएंगे जो खोसला ने डेविड के साथ ज्वाइंट वेंचर किया. नाम काम का क्या है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट विद डेविड इन द बुक्स ऑफ खोसला. तो डेविड ने जो ज्वाइंट वेंचर किया, सॉरी खोसला ने जो ज्वाइंट वेंचर किया डेविड के साथ, उसके बिहाफ पर खोसला ने क्या क्या किया ये देखना है. तो खोसला ने डेविड को पैसे डेबिट किए, खोसला ने इंश्योरेंस पेमेंट किया, गैरेज रेंट पेमेंट किया, ब्रोकरेज पेमेंट किया, सैलरी एक्सपेंस किया उसका प्रॉफिट, और खोसला ने सेल किया, व्हीकल बाय व्हीकल परचेज किया उसने. तो जो जो खर्चे खोसला ने डेविड के साथ जो ज्वाइंट वेंचर किया था उसके बिहाफ पर जो जो उसको ज्वाइंट वेंचर से लेना है, अगर मैं इसको सिंपल सेंस में बोलूं तो खोसला ने जो जो ज्वाइंट वेंचर से लेना है वो सब डेबिट साइड में आएगा और जो जो ज्वाइंट वेंचर को वापस करना है वो सब आपका क्रेडिट साइड में आएगा. एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर टू बैंक अकाउंट. ये बैंक अकाउंट आपका क्या है, दिस इज योर ये आपको मैंने एक समरी शीट बताया जिसमें हमने तीन और चार मेथड डिस्कस किए. तो मेमोरेंडम बहुत इजी मेथड है. तो बेसिकली इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो खोसला है उसकी बुक में हमने बनाया ज्वाइंट वेंचर विद डेविड, तो खोसला ये मान रहा है कि मेरे को ज्वाइंट वेंचर से ये सब चीजें लेना है और ये मुझे जो व्हीकल मैंने सेल किया या जो मैंने परचेज किया उसको जो टेक ओवर किया उसका मुझे पैसा ज्वाइंट वेंचर को वापस करना है. तो ये बहुत ही इजी पैटर्न है. तो दोनों पार्टी इंडिविजुअली अपने अपनी बुक्स में इनके अकाउंट ओपन करेंगी ज्वाइंट वेंचर विद डेविड, और दूसरा आपका अकाउंट हो गया ज्वाइंट वेंचर, जो दूसरी पार्टी है वो उसका अपनी बुक में बनाएगी ज्वाइंट वेंचर विद, देख लेते हैं उसको. अगर डेविड की बुक में बनेगा ज्वाइंट वेंचर विद खोसला और खोसला की बुक में बनेगा ज्वाइंट वेंचर विद डेविड. मेमोरेंडम अकाउंट दोनों में कॉमन होगा, इसी पैटर्न से बनेगा और इंडिविजुअली पार्टी अपने ओन अकाउंट अपनी ओन ट्रांजेक्शन को अपने अपने अकाउंट में शो करेगी. तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया ट्रीटमेंट रिलेटिंग टू ज्वाइंट वेंचर. छोटा लेक्चर है और मैंने कोशिश किया है कि इसमें आपको सारे एस्पेक्ट
क्लियर हो जाए. थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई वीडियो. थैंक यू. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड माई यूट्यूब चैनल्स टू गेट मोर अपडेट्स. एंड अगेन थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई वीडियो.